मौसम के हिसाब से मिक्स सब्जियां, आलू, मटर, मोंगरे, मेरे जो भी आप कहते हैं, मैंने लिए उसको इस तरीके से साफ कर लिया, शामिल कर रहे हैं। पानी में काट के रखा हुआ था, छिलके रिमूव किए, ये बचे शामिल कर रहे हैं, ये डिश आउट करने लगे हैं। आप इसकी लुक देख लें, कमाल की तैयार हुई है, घरेलू खवातीन के लिए गिफ्ट तोहफे, इस तरीके से डाल दे, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आर आर सी। कमाल करने वाला हूं, ऑथेंटिक रेसिपी देने वाला हूं, आप लोग टेंशन ना लिया करें। मौसम के हिसाब से मिक्स सब्जियां, आलू, मटर, मूंगरे, कुछ जगहों पे, कुछ इलाकों में इसे मूंगरे कहा जाता है, कुछ इलाकों में इसे सिंगरे कहा जाता है। आप मूंगरे कहें, सिंगरे कहें, फटाफट से पहले मैंने रेसिपियाँ आपकी दहलीज पे दी, अब आपकी सोच के अंदर रेसिपियाँ 5 मिनट में तैयार, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। इसके साथ का प्रेशर कुकर ले लिया, एक स्पून इसके साथ का सालन पकाने वाला ऑयल का शामिल कर दें, ऑयल को गर्म होने दें, ठीक हो गया। ऑयल गर्म हो चुका है, एक अदद प्याज दरमियाने साइज का शामिल कर दें, हल्का सा ब्राउन होने दें, बहुत नहीं कर देना, बस हल्का सा, हल्की सी प्याज हमने कलर आया, हल्की सी प्याज को 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें और 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। आपको वो तरीके बताऊंगा, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गया है। 2 टमाटर बारीक कटे हुए शामिल कर दें और टमाटरों के साथ ही नमक 1 टीस्पून शामिल कर दें अपने टेस्ट के हिसाब से। खुश्क धनिया पाउडर 1 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ठीक हो गया। हल्का सा पानी लगा दें, हल्का सा, बस तो ऐसे हल्का सा भून लें, ठीक हो गया। बस हमने ज़्यादा इसको भुनाई नहीं करनी, टमाटरों को मैश कर लो या कर लो, कुछ नहीं करना। ये एक पाव सिंगरे या मूंगरे जो भी आप कहते हैं, मैंने लिए उसको इस तरीके से साफ कर लिया, शामिल कर दें। ये मेरे पास आलू थे 1 पाव, इस तरीके से मैंने पानी में काट के रखा हुआ था, 1 पाव आलू शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 1 पाव मटर मैंने लिए छिलके समेत, उस छिलके रिमूव किए, ये बचे शामिल कर दें, अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, 2 घूंट पानी के लगा दें, 2 घूंट बस, बस इतना सा, ठीक हो गया। आँच दम वाली आँच पे ले आए, ऊपर से कवर लगा दें 5 मिनट के लिए, ये ऐसे विसल चलने के बाद 5 मिनट में काउंट करता हूँ दम वाली आँच पे, ठीक है। पहले 3 मिनट इसकी विसल चलेगी, आँच मीडियम रहेगी, उसके बाद मैं दम वाली आँच पे 5 मिनट लगाऊंगा, उसके बाद मिलता हूँ। ये ना जी, 5 मिनट के बाद इसकी जो स्टीम थी वो रिमूव कर दी, इसको खोलने लगे हैं एहतियात से। ये जो मेरे पास प्रेशर कुकर है, मैंने कई दफ़ा बताया, ये बिल्कुल सेफ्टी वाला, यहाँ पे इसका बटन लगा हुआ है सेफ्टी, या अगर यहाँ से इसकी स्टीम वगैरह रुक जाती है तो यहाँ से ही रिमूव करता है, ठीक है, एहतियात किया करें इसके इस्तेमाल। सुभान अल्लाह, बहुत कमाल की खुशबू है, कमाल का टेस्ट। फ्लेम को ऑन कर दें। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, 4 से 5, ये मैंने 6 की थी लेकिन ये ज़्यादा है ना, थोड़ी कम डाल दें इसमें, कोई मसला नहीं। और ये 3 से 4 अदर छोटे साइज़ की साबित सब्ज़ मिर्चें ये शामिल कर दें। गरम मसाला, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे देंगे, 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। 30 सेकेंड तकरीबन इसको पकने दें मीडियम फ्लेम पर, 30 सेकेंड के बाद आपको मिल जाए, 30 सेकेंड के बाद फ्लेम को हाई कर दें और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट इसके अच्छे तरीके से बुनाई कर लें, ठीक हो गया। 2 मिनट के बाद मिलता हूँ। अब मैंने बुनाई करनी है इसकी, पहले मैंने इसकी बुनाई नहीं की। कमाल की सब्जी तैयार होगी, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, आप कारोबार करने वाले बने, सीखने वाले बने, एवें बन रहे हैं जिमें बकरे दियाँ पोट दियाँ पोटियाँ ने, सब्जी नहीं है। आप तैयार करें इस मैथड से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस रेसिपी से बहुत कमाल की तैयार होगी, ठीक हो गया। 2 मिनट के बाद मिलते हैं। ये 2 मिनट के बाद भुनाई कंप्लीट हो चुकी, फ्लेम को बंद कर दें। फिर जिस टाइम इस टाइम पे आके डिश आउट करने लगे हैं, आप इसकी लुक देख लें, हर चीज़ टेंडर हो चुकी है, बड़े कमाल की तैयार हुई है। आलू, मटर, मूंगरे, खवातीन के लिए भी गिफ्ट दे दिया मैंने, घरेलू खवातीन के लिए गिफ्ट तोहफे, काम करने वालों के लिए गिफ्ट तोहफे, आप सीखने वाले बने। आलू इस टाइम पे आके, ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस तरीके से डाल दें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मक्खन बन गए ने।
भाई मेरे आलू मटर मोंगरे किस तरीके से तैयार होते हैं, मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया, मोंगरे आखो सिंगरे आखो, लेकिन आप बना के देखें तो सही, बहुत टेस्टी, आहा ऐसे बनेंगे कमाल से। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों, शेयर करें, जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।